दोस्तों आज हम लोग सीखेंगे हाउ डस इलेक्ट्रिकल करंट वर्क्स। इलेक्ट्रिकल में करंट काम कैसे करता है इसके बारे में आज थोड़ा हम लोग जानकारी लेंगे या नॉलेज लेंगे। दोस्तों ये जो करंट होता है दोस्तों फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, लेकिन ये जो करंट और इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है दोस्तों एक दूसरे से दोस्तों अपोजिट डायरेक्शन में होता है, मतलब दोस्तों एक दूसरे से विपरीत डायरेक्शन में होता है। ये जो करंट फ्लो होता है दोस्तों पॉजिटिव डायरेक्शन से नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ फ्लो होता है। दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है दोस्तों नेगेटिव डायरेक्शन से दोस्तों पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ होता है। करंट को एम्पियर के जरिए मेजर किया जाता है, मतलब दोस्तों करंट का जो एसआई यूनिट होता है उसको एम्पियर कहा जाता है। 1 एम्पियर इक्वल्स टू दोस्तों 1 कूलम पर सेकंड होता है, और 1 कूलम इक्वल्स टू दोस्तों 6.24 मल्टीप्लाई 10^18 इलेक्ट्रॉन्स होता है। दो पॉइंट्स के बीच में दोस्तों पोटेंशियल डिफरेंस होने की वजह से दोस्तों ये इलेक्ट्रॉन फ्लो होता रहता है, मतलब दोस्तों ये जो इलेक्ट्रॉन होता है हाई डेंसिटी से लो डेंसिटी तक दोस्तों कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है। ये जो इलेक्ट्रिकल करंट होता है दोस्तों ये फ्लो ऑफ करंट्स होता है एक कंप्लीट सर्किट के अंदर, मतलब दोस्तों एक कंडक्टर के अंदर कंप्लीट सर्किट में। जब एक क्लोज्ड सर्किट रहता है दोस्तों उसके अंदर करंट का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो फ्लो होता है। दूसरी तरफ जब कोई ओपन सर्किट रहता है दोस्तों उसके अंदर दोस्तों करंट का कोई इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं होता है। करंट का जो सिंबल होता है दोस्तों उसको कैपिटल आई से डिनोट किया जाता है। कोई भी मीडियम में दोस्तों जब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है वो करंट की वजह से ही होता है। कोई भी काम करने के लिए इलेक्ट्रिकल करंट जो होता है वो एनर्जी प्रोवाइड करता है, जैसे दोस्तों कोई भी लाइट को ऑन करना और कोई भी मोटर को मूव करवाना।